भविष्य से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। सो गाइस, आज हमारी शहर धामपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में निकल रही है रामडोल शोभा यात्रा। तो बिना किसी देरी के आपको लेके चलते हैं सीधा शोभा यात्रा में और दिखाते हैं जो इस बार का रामडोल शोभा यात्रा है वो कितनी धूमधाम से निकल रही है। और दोस्तों, आज सुबह से ही पड़ रही थी बारिश, तो देखते हैं कि बारिश होने के बाद भी शोभा यात्रा में कितना रश है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं शोभा यात्रा में और दिखाते हैं आपको आज की रामडोल शोभा यात्रा। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो भी नए भाई पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, और साथ में आ रहा होगा लाइक तो लाइक भी करें और एक करें छोटा सा कमेंट। तो मिलता हूँ सीधा शोभा यात्रा में। तो दोस्तों, भगत सिंह चौक पे पहुँच चुके हैं और रामडोल का जो शोभा यात्रा है ये पहुँच चुकी है भगत सिंह चौक। तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे, सबसे आगे जो है अखाड़ा है। जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं?
मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य नहीं है। वह कुलीन मंगलकारी वेदों से बहिष्कृत उत्कृष्टधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा से कराया किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त कराओ। क्या चल सती अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदर पूर्वक यह ले दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।